शुक्रवार को भोर में जब गाजीपुर के लोग सो रहे थे तब अचानक बिजली विभाग हरकत में आ गया। शहर के कई मोहल्लों में भोर के वक्त बिजली विभाग के अधिकारियों ने मॉर्निंग रेड किया है। इस दौरान बिजली चोरी करने के मामले में 24 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। अधीक्षण अभियंता विजय राज सिंह के निर्देश पर भोर में 4 बजे से 8 बजे तक शहरी क्षेत्र की राय कॉलोनी, स्टेशन रोड, नौकापुर, गौतम बुद्ध कॉलोनी, माल गोदाम रोड आदि मोहल्लों में बिजली विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने रेड डाला। अवैध रूप से बिजली उपभोग कर रहे 24 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। SDO शिवम राय ने बताया कि जो लोग अवैध रूप से केबल खींचकर लाइन चलाते पकड़े गए हैं उन लोगों का विद्युत चोरी अधिनियम के तहत चालान किया जा रहा है, उनसे राजस्व भी वसूल किया जाएगा। शिवम राय ने कहा है कि कोई भी उपभोक्ता मीटर बाईपास करके अवैध रूप से बिजली चोरी करते पकड़े जाता है तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उससे बिजली क्षतिपूर्ति के रूप में राजस्व वसूली भी की जाएगी। इस तरह की आपातकालीन मॉर्निंग रेड चेकिंग कभी भी बिना सूचना के कहीं भी हो सकती है। इस रेड में अवर अभियंता अविनाश सिंह, रोहित सिंह, विजिलेंस थाना प्रभारी AK सिंह, विजिलेंस JE पंकज चौहान अन्य कर्मचारी रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।